हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालोजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर एडिशन के हमने दो लॉ पढ़े थे, एक तो ट्रायंगुलर लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर? तो आज हम समझेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और साथ में ही हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन की, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उनके बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हमारा वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है, ये कुछ इस तरीके से वेक्टर हैं, ये इनकी डायरेक्शन है, जो एरो का साइन क्या बताता है, इनकी डायरेक्शन। तो ये कुछ वेक्टर्स यहां पर हैं, हमने क्या करना है, अब मान लीजिए जैसे इस वेक्टर ए को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। क्लियर है? फिर ये वेक्टर बी था, इसको मैंने इसकी टेल के ऊपर, इसकी टेल को इसके हेड के ऊपर प्लेस कर दिया, मूव करवा दिया, इसको यहां से यहां पे मूव करवा दिया। क्लियर? ये हो गया बेटा हमारा वेक्टर बी। क्लियर? फिर ये वेक्टर जो सी था, बिल्कुल इसको इसी की पैरेलल पोजीशन में लेके जाना है हमने, पैरेलली इसको ऐसे यहां से उठा के बिल्कुल एज इट इज यहां पर हमने प्लेस कर दिया, मूव करवा दिया। फिर वेक्टर डी, ये था वेक्टर सी। फिर बेटा वेक्टर डी, इसको भी हमने एज इट इज बिल्कुल पैरेलली यहां से उठा करके एज इट इज इसको रख दिया, और ये बेटा हमारा है वेक्टर डी। क्लियर? अब आप देखो ये क्या, कौन सी शेप बन रही है, पॉलीगन बन रहा है ना ये। अगर मान लो मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये क्या बनता है, पॉलीगन बनता है। क्लियर? तो लेकिन अगर मैंने इस साइड को नहीं करता तो ये ओपन पॉलीगन हो गया। कैसा पॉलीगन हो गया, अगर मैं इस साइड को नहीं मिलाता तो ओपन पॉलीगन। तो बेटा अगर कुछ वेक्टर्स को एक पॉलीगन की साइड के से रिप्रेजेंट कर दे, पॉलीगन कुछ वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ओपन पॉलीगन, बाय द साइड्स ऑफ ए ओपन पॉलीगन, कुछ वेक्टर्स को हमने क्या किया, वो एक ओपन पॉलीगन की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या होगा, इन वेक्टर का जो एडिशन का रिजल्ट होगा टोटल, इनको ऐड करने से जो टोटल रिजल्ट आएगा, दैट विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, दैट विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, यानी कि जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी वो क्या बताएगी हमें बेटा, इसके रिजल्टेंट के बारे में। लेकिन इट शुड बी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, उल्टा। देखो ये वेक्टर आगे की तरफ था, फिर ये भी आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी, इन सभी का ऑर्डर जो है सेम है, लेकिन इसका ऑर्डर देखो होना ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे गया, अपोजिट ऑर्डर इसका क्या रहा वेक्टर का, अपोजिट। तो बेटा यहां पर ये जो आर वेक्टर आएगा आपका, यानी कि रिजल्टेंट। क्लियर है? अच्छा देखिए, एक बार डेफिनेशन को समझते हैं, वहां से क्लियर होगा। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, ये कई सारे वेक्टर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, ये पहले ओपन पॉलीगन था, उसकी साइड के द्वारा मैंने इन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। ये वेक्टर ए है, ये साइड वेक्टर बी को शो करती है, ठीक है, ये साइड आपके वेक्टर सी को शो करती है, ये साइड वेक्टर डी को शो करती है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, तो इन सभी का जो रिजल्टेंट होगा ना, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड, ये जो क्लोजिंग साइड है ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जिसको हमने कैसे ऑर्डर में लिया बेटा, अपोजिट ऑर्डर में। देखो सभी का ऑर्डर ऐसे था आगे की तरफ, लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा हो गया। क्लियर है ना? क्योंकि इस हिसाब से तो इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था ना, अगर ये होता तो सीधा होता ऑर्डर, लेकिन हमने ऑर्डर इसका ऊपर क्यों लिया, एरो का साइन ऊपर बनाया। क्लियर है? तो ये रिजल्टेंट आर जो है इन सब के एडिशन के बराबर होगा, यानी कि बेटा आर वेक्टर आपका बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम करते हैं इसका प्रूफ।
कि ये कहां से आया, ये हमने लिख तो दिया लेकिन ये आया कैसे, उसका प्रूफ हम समझेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं अब इसकी डेफिनेशन को। अब हम समझते हैं बेटा इसका प्रूफ कि ये हमारा आया कैसे। तो देखिए यहां से आप एक डॉटेड लाइन लगाइए जो कि क्या ऊपर मिलती है, और एक डॉटेड लाइन हमने लगाई बेटा जो कि आर पॉइंट पर मिलती है, ओ पी क्यू। ये एक्चुअली इसको मैं आर नाम नहीं देता, इसको आप ना एस नाम दे दीजिए, ये एस और इसको टी। आर क्यों नहीं दिया, क्योंकि आर मेरा रिजल्टेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको आर नाम नहीं दिया। तो देखिए बेटा फ्रॉम द ट्रायंगल, ये ओ पी क्यू ट्रायंगल कंसीडर कीजिए आप, ओ पी क्यू, क्लियर। अच्छा यहां पर आप ये एरो का साइन इधर है, ये एरो का साइन। अब ये जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप देखिए ये जो ओ, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ओ क्यू से। क्लियर, हम पढ़ चुके हैं ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ओ क्यू वेक्टर इसके एरो का साइन कुछ इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर ये, इसका ये, तो इन दोनों का टोटल रिजल्ट क्या होगा थर्ड साइड से। यही कहता है ना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर दो साइड ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को शो करती हैं जो कि सेम ऑर्डर में ली गई हैं, तो जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की जिसको अपोजिट ऑर्डर में लिया गया है वो इन दोनों का सम होगा। यानी कि बेटा ये आ गया आपका a प्लस बी, बात समझ में आई। तो OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये इक्वेशन नंबर वन, क्लियर है ना ये और ये। अच्छा अब देखिए आप, हम लेते हैं ट्रायंगल ओ क्यू एस, ये देखिए बेटा यहां पर ओ क्यू एस ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में एक साइड ये रही, एरो का साइन आगे की तरफ है, इसका साइन भी आगे की तरफ, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गई ना, तो इनका टोटल रिजल्ट कैसे आएगा थर्ड साइड से जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली गई है, क्लियर। तो यहां पे देखे बेटा ओ एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर, मतलब कि ये वेक्टर प्लस में ये वेक्टर। अब ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा, ए प्लस बी, और क्यू एस की वैल्यू कितनी है सी। तो ये आ गया बेटा हमारा ओ एस वेक्टर, क्लियर है, बताइए पहले ये समझ में आया ओ एस वेक्टर हमारा, क्लियर। तो अब ओ एस की वैल्यू कितनी आई, ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि बेटा ये हो गया हमारा, इसको मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए आप ध्यान से, ट्रायंगल आपका ओ एस टी, ये ऑर्डर हो गया सीधा, फिर ये भी उसका सीधा ऑर्डर बन गया, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर बन गया, तो यानी कि ये जो है आपका देखिए ओ टी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ओ एस प्लस एस टी, क्लियर। अब ओ टी की वैल्यू कितनी है, ओ से टी आर मानना हुआ है हमने, दैट इज आर वेक्टर, ओ एस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और एस टी की वैल्यू डी, डी वेक्टर। तो बेटा ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, यहां पर आपने ये ध्यान रखना है ये एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, इसको हमने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया और उसको सोल्व करते चले गए, ठीक है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने ये टॉपिक करना है आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए इतना।
तो बेटा देखिए, हमें अब शो करना है कि वेक्टर एडिशन जो है दैट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब वेक्टर एडिशन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हम शो करना चाहते हैं। अब मान लीजिए सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, क्लियर? ये बेटा अपने पास क्या है, एक पैरेललोग्राम, और इस एंड का नाम है ओ पी क्यू एस, क्लियर? ये वेक्टर है बेटा हमारा ए और ये है वेक्टर बी। ये डायरेक्शन रही ओ से पी और ये डायरेक्शन रही बेटा हमारी ओ से एस, क्लियर? तो देखिए बाय द, आपको पता है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो पैरेललोग्राम लॉ है बेटा वेक्टर एडिशन का, वो क्या कहता है कि ये जो ए आपका ओ पी वेक्टर प्लस ओ एस वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा? देखिए एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा? डायगोनल के इक्वल, जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इस डायगोनल के इक्वल आएगा ना ये हमारा लॉ, तो यही कहता है लॉ पैरेललोग्राम की। देखिए अगर इसकी डायरेक्शन ये हो तो क्या होगा, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा आर। तो ये आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ये कौन सा लॉ है हमारा, लॉ ओ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का लॉ है ये। तो मतलब अगर ये दो वेक्टर हैं जो कि एडजेसेंट साइड को शो करते हैं पैरेललोग्राम के, तो इनका जो नेट रिजल्ट होगा वो बेटा किसके इक्वल आएगा, आपके नेट रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, डायगोनल के, जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, क्लियर? तो चलिए इसका मतलब बेटा ये था हमारा यहां पर ओ क्यू वेक्टर, ओ से क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर को मैंने डिनोट किया है आर के साथ, ओ पी को बेटा ए के साथ, और ओ एस को हमने शो किया है बी के साथ, क्लियर? ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए आप, अगर ओ से पी ए वेक्टर है तो एस से क्यू भी तो आपका ए वेक्टर ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या है, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है और दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर ए को शो करता है तो ये भी वेक्टर ए को शो कर सकता है, क्लियर? तो अब देखिए बाय द ट्रायंगुलर लॉ या बाय द ट्रायंगल लॉ ओ वेक्टर एडिशन, अब वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर लॉ हम लगाते हैं, और ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ओ एस क्यू, ओ एस क्यू। अब यहां पर आप देखिए बेटा ओ एस क्यू ये हमें क्या कहता है कि देखो ये साइड इस ऑर्डर में है, ये साइड इस ऑर्डर में है, जबकि ये साइड अपोजिट ऑर्डर में है, क्योंकि देखिए ये आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ। अब इसका ऑर्डर तो ये होना चाहिए था जबकि ये इस ऑर्डर में है, तो इसका जो नेट रिजल्ट है, अभी मैं ये नहीं लिखता बेटा, इसको केवल आर लिखा होगा मैंने, क्लियर? तो जो इस ट्रायंगुलर लॉग में जो नेट रिजल्टेंट है किसका, देखिए ये ओ क्यू वेक्टर आपका किसके इक्वल होगा, ये ओ क्यू वेक्टर, पहले ये फिर ये, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, बी प्लस ए, तो यानी कि ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर, क्लियर? अच्छा ओ एस का मतलब बी और एस क्यू का मतलब ए और ओ क्यू का मतलब आर। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन और टू को कंपेयर कीजिए आप फ्रॉम
द इक्वेशन नंबर वन एंड द टू, वन में आर इक्वल है ए प्लस बी के, ए प्लस बी, और टू में आर इक्वल है बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जनरल अगर मैथमेटिक्स में हम देखें, टू प्लस एट पता है सबको कि एट प्लस टू बात एक ही है, लेकिन वेक्टर में ये कॉमन बात नहीं है। क्लियर? क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का भी रोल होता है, वेक्टर के रूल्स अलग हैं सिंपल मैथमेटिक्स से। तो इसीलिए ये आपको प्रूफ इसका आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ठीक है, यहां भी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, लेकिन ये कैसे आया, हमने इस मेथड से इसको प्रूव करके दिखाया। क्लियर? सो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो देखिए बेटा, अब हमें प्रूव करना है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि जो वेक्टर एडिशन है वो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले पॉलीगन कंसीडर कीजिए आप, ओ पी क्यू एस आर। क्लियर? ओ से पी वेक्टर ए है, पी से क्यू वेक्टर बी, क्यू से एस वेक्टर सी, और ओ से एस वेक्टर आर। इन सभी का ऑर्डर सेम है, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में है। क्लियर है? तो ये था मेरा पॉलीगन। अब पॉलीगन के अंदर कई ट्रायंगल बने हुए हैं। देखो, मैंने यहां से डॉटेड लाइन कुछ बनाई है। तो अब ट्रायंगल OPQ लीजिए आप। सबसे पहले OPQ, यहां पे ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, देखिए कि जो आपका OQ वेक्टर है, दिस इज इक्वल्स टू द OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर है ये इसके और इसके सम के इक्वल है, यही है ना। तो अब देखिए OQ और OP प्लस PQ, OP कितना है A, PQ B, यानी कि OQ की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ये ट्रायंगल खत्म हो चुका है, भूल जाओ इसको। अब आप ऊपर वाले इस पूरे ट्रायंगल की बात करो, मतलब कि देखिए बेटा, ट्रायंगल OQS, OQS। अब यहां पर आप देखिए, ये सीधे ऑर्डर में है स्ट्रेट, ये भी सेम ऑर्डर में, लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा हो गया OS का। तो यानी कि बेटा OS वेक्टर जो है आपका, दिस इज इक्वल्स टू द OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। क्लियर? अब OQ की वैल्यू आप निकाल चुके हो A प्लस बी, तो मैंने OQ को बेटा पुट कर दिया A प्लस बी। इसको OQ की वैल्यू को अलग से ब्रैकेट में शो किया, प्लस में QS, QS इसकी वैल्यू कितनी है C। क्लियर? अब OS का मीनिंग क्या है, R। तो यानी बेटा जो R वेक्टर है आपका, दिस इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। ये मेरी इक्वेशन नंबर वन। क्लियर? अच्छा, अब ट्रायंगल PQS लीजिए आप, PQS। अब देखिए आप, ये सामने का ऑर्डर सीधा, ये भी सीधा ऑर्डर, जबकि ये होना चाहिए था, लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा हो गया P से S का। तो यानी ये रिजल्टेंट के इक्वल होगा। पहले तो देखिए, O से Q मेरा कितना आया था, A प्लस बी, तो यहां पर लिख भी सकते हो आप, कोई चक्कर नहीं है, A प्लस बी। अब यहां पर PS रिजल्टेंट होगा ना किसका, B और C का। तो यानी बेटा ये हमारा आ जाएगा अब B प्लस C के। तो देखिए फ्रॉम यहां से क्या होगा बेटा हमारा, दैट इज PS वेक्टर, यानी ये PS वेक्टर इक्वल है PQ वेक्टर, PQ वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। क्लियर?
तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी और क्यू है इसकी सी, यानी कि बी प्लस सी वेक्टर डन। अब ट्रायंगल कौन सा बच गया, देखो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ऊपर वाला, तो अब नीचे वाला ये ट्रायंगल बचेगा ना, यानी कि ओ पी एस। तो फ्रॉम द ट्रायंगल ओ पी एस, अब देखिए बेटा ये सीधा ऑर्डर है, ये भी सीधा ऑर्डर, जबकि ये ऑर्डर उल्टा हो गया, क्लियर। तो यानी कि ये हमारा रिजल्टेंट आएगा ओ एस इक्वल टू ओ पी प्लस पी एस, क्लियर। अच्छा ओ एस को हमने किससे डिनोट किया है, आर के साथ, ओ पी हमारा ए वेक्टर प्लस पी एस बी प्लस सी के इक्वल है, जो कि हम यहां भी निकाल चुके हैं, किसके इक्वल है ये बी प्लस सी के। तो पी एस को मैंने अलग से ब्रैकेट में रख दिया, अलग है ना। तो ये हो गया बेटा हमारे इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। अब इक्वेशन वन और टू को कंपेयर कीजिए, यहां पर लिखता हूं मैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन एंड द टू, ये देखिए आप ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल आया मेरा ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। तो बेटे इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो हमने लिखा है ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, फिर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, सिंपल मैथमेटिक्स में ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, जनरल बात है, लेकिन वेक्टर की टर्म में जब हम बात करें तो ये कॉमन चीज नहीं होती, इसीलिए हमें इसका प्रूफ करना पड़ता है, क्लियर। क्योंकि वेक्टर के लॉज सिंपल मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग है। तो इसको बेटा वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते। तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।